तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मैं अब्दुल शेख, अभी हम खड़े हैं मेवा हॉस्पिटल के मदद केंद्र सेंटर पे। कांग्रेस के सचिव जनाब वसीम शेख साहब, हम इनसे बात करेंगे कि ये यहाँ पर जो आने वाले पेशेंट हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको किस तरह की मदद यहाँ पर कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं वसीम शेख साहब से। और इस महामारी के माहौल में आप इस तरह यहाँ पर खड़े हैं लोगों की मदद के लिए, तो यहाँ पर आप कितने बजे आते हैं और सर कितने बजे तक रहते हैं और आप क्या क्या मदद करते हैं लोगों की? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि और नागपुर की जनता को बता दूँ कि जब से भी ये कोविड हुआ है, अभी ये 15-20 दिन से यूथ कांग्रेस के हमारे बंटी शेर के जी, नगर सेवक अध्यक्ष तौसीफ खान जी, आकाश गुजर, ये सारे हमारी जो टीम है यूथ की, ये सारी लगी हुई है। और मैं जो हूँ, मैं यहाँ पे सुबह 9 बजे से आता हूँ और 2-3 बजे तक मैं यहाँ पे रहता हूँ। और उसके बाद में हम लोग जो यहाँ पे मदद करते हैं लोगों की, तो जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं जिनको तुरंत ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उनको हम लोग ऑक्सीजन दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं और ज़्यादातर हम लोग उनको करवाते ही है। और जिनको O2 जो ओपीडी में जो बेड नहीं मिलते हैं, उनको भी हम लोग बेड उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सभी के लिए, मतलब सभी को हम O2 बेड दिलवा पाते, क्योंकि यहाँ पे जो है क्षमता ही 25-30 बेड की है, तो उसमें जो वेटिंग चल रहा है, आज भी जैसा भी आप आए हो, आप देखोगे कि आप आज 90 की वेटिंग है, तो ये 90 की वेटिंग में हम लोग अभी ज़्यादा पेशेंट्स को हम लोग बेड नहीं दिलवा पा रहे, तो ये कई यानी हमारी भी कमी हो रही है। और कई मुझे ऐसा लगता है कि मेवो जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल, इन्होंने यहाँ पे OPD में 50 बेड और बढ़ाने चाहिए, ताकि जो पेशेंट्स जो ऑक्सीजन की कमी जिनको हो रही है, जिनको O2 नहीं मिल रहा है, उनको कम से कम यहाँ पे ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो जैसा कि बस सर पिछले बार हमने आपने भी देखा कि यहाँ पर DN सर के साथ में नाना भाऊ पंडोले और अपने विकास ठाकरे जी, ये सब आए थे, उनकी मीटिंग हुई थी, तो ये वेंटिलेटर का, बेड का और ऑक्सीजन का मुद्दा हमने तब भी मतलब उठाए थे और उन्होंने बोला था कि हम बहुत जल्दी मतलब ये कार्रवाई को मतलब अंजाम देंगे और बहुत जल्दी ये सारी सुविधा हम पूरी करेंगे। तो क्या अभी तक यहाँ पर कुछ वेंटिलेटर बढ़े, ऑक्सीजनेटर बढ़े और कुछ बेड वगैरह बढ़े? नहीं, यहाँ पे जो वेंटिलेटर हम लोग राजू भैया हम लोग कल जो कोविड सेंटर में गए थे अंदर में 41, 36, 37 में, तो हमने वहाँ पे देखी कि हाईटेक सारा काम हाईटेक है, सुविधाएँ बहुत अच्छी है मेवो में। तो लोगों में जो डर है कि मेवो में मतलब तकलीफ होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शर्त यह है कि देखिए आप OPD से वार्ड तक के शिफ्ट हो जाना चाहिए, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो वहाँ पे अच्छे से अच्छा हो सके। अच्छा, आपका कहना है कि लोगों में डर है, लोग इन्हें डर के कारण ही मतलब यहाँ पर आ नहीं रहे मेवा हॉस्पिटल के अंदर, और डर के कारण ही मतलब जो घर पे रुक रहे हैं तो ज़्यादा उनको क्रिटिकल होना और उनकी मौत होना, ये एक डर का सबब है, आपका ये कहना है? हाँ हाँ, तो जैसे कि मैंने इसके पहले भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने कहा था कि जो पेशेंट का स्कोर अंडर 10 है और जिनका O2 लेवल 90 के अबव है, तो उनको डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो लोग कोई एक MBBS या MD कोई एक डॉक्टर से आपका मतलब ट्रीटमेंट करवा सकते हो और आप घर में ही रह के आप ठीक हो सकते हो। मैंने खुद ने ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनका O2 जो है 80 था और 15-17 जो उनका स्कोर था सिटी स्कोर, उनको मैंने बिना एडमिट किए किसी डॉक्टर के पास में उनका ट्रीटमेंट करवा के वो 5-5, 6-6 दिन में भी ठीक हुए हैं। तो ऐसे भी जो पेशेंट्स हैं, उन्होंने डरना नहीं चाहिए और आगे आना चाहिए और पहले अपना RT-PCR करवाइए। अगर आपको सर्दी खांसी भी होता है तो पहले आप अपना RT-PCR कराएं, ताकि आपको जो आने वाले जो दिन रहेंगे उसमें आप समझ जाओ और आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। तो सर इसके अंदर डिक्यूशन क्या क्या लेना चाहिए? जैसा पेशेंट के जो साथ में रिश्तेदार भी रहते हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पेशेंट के साथ में उनके रिलेटिव भी आ रहे हैं OPD के अंदर, तो सर ये पेशेंट के जो रिलेटिव है, तो इनके बचाव के लिए यहाँ पर कोई गाइडलाइन बनी है या नहीं बनी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एकदम जो पॉजिटिव पेशेंट है, पॉजिटिव पेशेंट के साथ में ही उनके रिश्तेदार मतलब वहाँ पर उनके साथ में एकदम करीब में जाके बैठे हैं, वहीं रुके हैं, तो उनके रिश्तेदारों के लिए मतलब कुछ गाइडलाइन बनाई कि नहीं यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो यहाँ पे ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अगर पेशेंट अगर आएंगे तो उनके साथ में उनके रिलेटिव आएंगे, लेकिन OPD तक के ठीक है कि उनके रिलेटिव एक कोई भी एक रिलेटिव OPD में जो O2 बेड जा सकता है उनकी देखभाल के लिए, लेकिन ज़्यादा जो रिलेटिव है वो OPD के बाहर में है। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर आप किसी भी अगर पेशेंट को लेकर अगर आते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना आए,
कोई अगर एक या दो व्यक्ति भी अगर वहाँ पे आते हैं तो इससे भीड़ भी नहीं होगी और ये संक्रमण ज्यादा फैलेगा भी इससे फैलने की ज्यादा रोकथाम के लिए भी चलेगा मदद के लिए भी यहाँ बैठे हैं तो आप जैसा उनके मतलब जैसे भीड़ कर रहे हैं उनके रिश्तेदारों को भी आप मतलब जाके मैसेज देना चाहेंगे सर? हम जो उनके रिलेटिव है वो नहीं मानते ना उसमें। हाँ, वो तो स्वाभाविक है कि भाई रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार है तो वो नहीं मानेंगे। बाकी सर देखो एक रिश्तेदारी अलग है, बाकी भी खतरा अलग चीज होगी सर। तो अगर से समझना ये खतरे को नहीं समझेंगे तो ये खुद भी संक्रमित होंगे और दूसरे भीड़ में दूसरों को भी संक्रमित करेंगे। जो अभी जो आज अगर आप देखोगे कि जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है 15-20 दिनों से, उसके बाद में भी रोजाना 6,000-7,000 जो पेशेंट्स निकल रहे हैं और चार दिनों से जो है ये डेथ रेट बढ़ गया है। तो सर यहाँ पर अभी समय पहले जो डेथ का आंकड़ा बहुत ज़्यादा था तो अभी मरने वालों की तादाद कम हुई है और बढ़ी है सर? बढ़ी है, तादाद बढ़ी है। हाँ, तादाद बढ़ रही है। पेशेंट्स तो हर 24 घंटे में 6,000-7,000 के करीब निकल ही रहे हैं और डेथ रेट बढ़ रहा है। आप जो अखबार में देख रहे हो जैसे कि आप कल आपने देखे होंगे कि 98 था, उसके पहले 93 था, उसके पहले 113 था। तो ये जो पेशेंट्स है ये हॉस्पिटलाइज पेशेंट है जो आंकड़े हैं। लेकिन हम मुझे जितनी जानकारी है मेरे मुझे ऐसा लगता है कि जो पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहे, जो पेशेंट सिर्फ हॉस्पिटलाइज मतलब यानी हॉस्पिटलाइज होने के लिए घूम रहे पर उनको बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा, ऐसे भी कई पेशेंट होंगे जिनकी हो रही है। हाँ, तो सर कैसा ये तो अभी आपने से मतलब सरकारी हॉस्पिटल का मतलब मतलब आंकड़े का अंदाजन बताए कल 90 बताए, तो इसके अंदर सर प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी कई मौतें हो रही और घर के अंदर जो पेशेंट है उनकी भी कई मौतें हो रही, तो ये सही ढंग से हमको आंकड़ा अभी भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी डेथ कितनी हो रही है। ये आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा है और ये आंकड़ा हम समझ भी नहीं पाएंगे क्योंकि जिला बहुत बड़ा है। नागपुर शहर में अगर 7,000 अगर पेशेंट निकलते हैं 7-8,000 तो उसमें से जो ये तो संक्रमित हो गए उसमें से कुछ 50-60% होंगे जिनका लेवल लो होगा, पर हाई लेवल वाले भी होंगे जो लोग बेड के लिए घूम रहे हैं। सच में नागपुर शहर में नागपुर जिले में बेड मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं लोगों से यही आह्वान करूँगा और यही उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अगर आपके घर में अगर कोई पेशेंट है तो उसको सेपरेट रूम में रखिए, उसकी देखभाल करो, उसको अच्छे से अच्छे खिलाओ, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कराओ ताकि वो आपके जो पेशेंट है आपके अंदर रिलेटिव है वो सेफ रहे और आप लोग भी सेफ रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने जो शुरुआत की है ऊपर लोग हैं, तो जैसे कि हमने शुरुआत की है अगर जो घंटी वाले छिड़के छिड़के जो मार्ग दर्शन इन्हीं को देखकर हमको ऊर्जा आती है और ये मैं दिल से कह रहा हूँ कि अब इनका जो काम है इनको ही देखकर इनकी जो भागा दौड़ी है हम इनको देखकर ही हम लोग भी पीछे भागने की कोशिश करते हैं और दिल जान से हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। और हमने 2 दिन हो गया है मेयो में और मेडिकल में 500 से ज़्यादा लोगों का खाना भी हमने शुरुआत किया है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग 11 बजे करते हैं और 1 बजे से फिर मेडिकल में हम लोग वहाँ पे खाना खिलाने तो का काम खाना करते खाना सर आप मतलब जो पेशेंट्स के रिलेटिव उनके रिलेटिव उनको आप मतलब 500 लोगों को मतलब खाना दे रहे हैं, ये खाना आप अपने मतलब ये संस्था की तरफ से दे रहे हैं? हम जो यूथ कांग्रेस है IYC हो गई है मंकी बाबा शेड़की जी और कौशिक खान जी जो हमारे शहर के अध्यक्ष कांग्रेस तो ये इन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारे काम हो रहे हैं। देख रहा हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत जो आप जैसे जो यंग है जो सोशल वर्कर है जो इससे राजनीतिक से जुड़े हुए और कुछ अपना सोशल वर्कर भी कर रहे हैं अपने आंकड़े संवारने के लिए भी आगे आए हैं, मतलब खतरे को एक तरफ रखते हुए जो दिन और रात मेहनत कर रहे जैसे कि मोदी शेख साहब, राजू साहब, ये सारे जो लोग हैं तो ये रात और दिन यहाँ पर मेयो के अंदर और मेडिकल के अंदर या हर जगह मतलब ये कोशिश है इनकी कि पेशेंट के साथ में जो रिलेटिव आ रहे हैं तो उनको कोई किस्म की तकलीफ ना हो, जितनी हो सके अपने तरफ से मदद मतलब उन लोग को पहुँचा रहे हैं। मैं अब्दुल शेख तत्काल न्यूज़ नागपुर।